अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिस्मा फाक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ असाइनमेंट नंबर 2। कोर्स कोड है 8609, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ऑटम 2020 की असाइनमेंट है बीएड 1.5 इयर्स वालों के लिए। सो असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एनालाइज प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इसका आंसर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 99 से लेके पेज नंबर 101 तक। बुक से मैं आपको एक दफा पेज नंबर दिखा देती हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो वो यहां से देख के इजीली लिख सकते हैं। पेज नंबर 99, यहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एंड देन एम्स ऑफ एजुकेशन गिवन एज थ्योरी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज पेज नंबर 100, इसमें करिकुलम ऑफ एजुकेशन गिवन है, से रिलेटेड हेडिंग्स बनी हुई है। एंड देन रोल ऑफ एजुकेटर पेज नंबर 100 एंड दिस इज पेज नंबर 101। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू क्लासेस। सो यहां तक आपने क्वेश्चन को एंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ जॉन डेवी फिलोसफी ऑन मॉडर्न एजुकेशन। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 117 to 121 एंड देन ऑन पेज नंबर 124। सो पेज नंबर 117 देखते हैं सबसे पहले। दिस इज पेज नंबर 117 और यहां से आपकी हेडिंग स्टार्ट हो रही है एंड देन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 118 पॉइंट्स गिवन है इसमें, तो आप इजीली इसको एज इट इज लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, 8 एंड देन 9 to 11। नेक्स्ट इज पेज नंबर 120, देन एम्स ऑफ एजुकेशन पेज नंबर 121। यहां तक आपने इस टॉपिक को एंड करना है एंड देन आपने लिखना है पेज नंबर 124 से, दैट इज इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न एजुकेशन। इस क्वेश्चन में आपने इम्पैक्ट ही बताने थे इस थ्योरी के। सो यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डेवलप अ टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन मुस्लिम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसका आंसर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 134 से 137 पे, या फिर आप लिख सकते हैं पेज नंबर 137 से लेके 140 पे। इसमें आपने लिखनी थी मुस्लिम फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, तो काफी सारे जो है मुस्लिम फिलोसफर्स थे जिन्होंने दिए, कुछ एक जो है 134 से 137 पे गिवन है एंड नेक्स्ट 137 to 140 है। मैं आपको दिखा देती हूँ उनमें से आप जोन सा लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके अलावा 8614 एंड 8612 इनकी सेकेंड असाइनमेंट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। पेज नंबर 134 इसमें गिवन है आपको इमाम गजाली की। अगर आप इनकी लिखना चाहते हैं तो इनकी लिख सकते हैं। पेज नंबर 135
देन पेज नंबर 136। एंड 137। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद पेज नंबर 137 से ही नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, डेट इज इब्न खलदून। आप चाहें तो इनकी लिख सकते हैं या कोई एक लिखनी है बस आपने। इसके अलावा भी आगे गिवन है आपके काफी सारे फिलोसफर्स की। सो दिस इज पेज नंबर 138। पेज नंबर 139 एंड देन दिस इज लास्ट पेज नंबर 140। यहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है। जैसे आप देखें तो नेक्स्ट ये लिखी हुई है 7.5। इसी तरह एक ये भी लिखे हुए हैं 7.6 में अल-फ़ारबी। तो इनमें से आप जोन सी चाहें वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपेयर करिकुलम डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। इसमें आपने मॉडर्न फिलोसफीज के बारे में लिखना है कि उसमें करिकुलम को किस तरह बनाया गया है। सो इसका आंसर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 184 से पहले 185 तक एंड देन पेज नंबर 178 टू 180। पहले हम पेज नंबर 184 देख लेते हैं। दिस इज पेज नंबर 184 and the topic is 8.8.1। ठीक है जी, इसके बारे में लिखना है आपने यहां से। ये टॉपिक के इंट्रोडक्शन है। यहां तक आपने इसको लिख लेना है, रोल ऑफ टीचर। देन पेज नंबर 178। करिकुलम के बारे में यहां से आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 179 एंड द लास्ट पेज इज पेज 180। सो यहां पे आपने टॉपिक एंड कर देना है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 192 से लेकर 195 तक। सो पेज नंबर 192 यहां से स्टार्ट हो रही है जी मॉन्टेसरी की हेडिंग। तो यहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है एंड देन पेज नंबर 192 पे सेकंड हेडिंग है ये। पेज नंबर 193 द फर्स्ट 6 ईयर्स उन्हें किस तरह का करिकुलम होना चाहिए वो डिफाइन किया गया है। देन पेज नंबर 194 एंड लास्ट पेज इज पेज नंबर 195। सो यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो असाइनमेंट नंबर 2 कोर्स कोड 8609 ऑटम 2020 कंप्लीट होती है। होपफुली आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।